वेलकम गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर मितेश शर्मा। तो आज हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। तो ये थ्योरी क्या कहती है, ये हमें बताती है कि यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ, यानी कि हमारे पूरे ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिसके कारण आप हमारे हर एक वीडियो को देख सकें। तो लेट्स स्टार्ट। तो मान लीजिएगा कि आपके आसपास कुछ भी नहीं है, यानी कि आप जहाँ बैठे हैं और जिस भी चीज में आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कुछ भी नहीं है, आप भी नहीं हो, तो क्या होगा, यानी कि हमारी अर्थ भी नहीं है। जब बिग बैंग नहीं था तो उस वक्त कुछ भी नहीं था, यानी कि एक सिंगल पार्टिकल भी नहीं। तो उस वक्त कहीं पर एक प्रोटॉन जितने पार्टिकल एग्जिस्ट करता था, उस पार्टिकल के अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर थी। एनर्जी स्टोर होने के कारण उसमें थोड़ी सी हलचल हो गई, हलचल होने के कारण उसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और बहुत सारी गैस आसपास फैल गई। गैसेस फैलने के कारण यहाँ पे स्पेस बढ़ गया। तो बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो इस फोर्स के कारण जो आसपास की गैसेस थी वो एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो गई, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम मिलने लगी। जब वो मिली तो स्टार्स का निर्माण हुआ, यानी कि तारे बनना शुरू हो गए थे। तो हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को आगे लेते हैं। तो इसके कारण जब तारे आपस में मिलना शुरू हुए तो गैलेक्सीज का निर्माण हो गया, जिसे हम कहते हैं द ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज गैलेक्सीज। तो गैलेक्सीज बन चुकी थी और अब आगे और भी गैसेस मिलना शुरू हो गई थी। तो हमारी गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे तारे थे, यानी कि मिलियंस। तो और भी तारे बन रहे थे, तो हमारे बीचों बीच एक हमारा तारा अपना सन भी था। तो उस वक्त दूसरी गैसेस के मिलने के कारण एस्ट्रॉइड बने, उन्हीं एस्ट्रॉइड के कारण हमारी अर्थ बन गई। अर्थ के बनने के बाद उस समय की अर्थ बिल्कुल ही अनजान थी, तो उस पर कोई भी लाइफ नहीं थी, क्योंकि उसके आसपास चारों ओर वोल्केनो ही वोल्केनो थे। तो चारों ओर लावा फैला हुआ था, लावा फैलने के कारण यहाँ पे लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी। तो एक समय एक मास जितने ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ से टकरा गया। अर्थ के टकराने के बाद जो आसपास के वोल्केनो का सरफेस था वो उखड़ गया। उखड़ने के कारण वो अर्थ का ही चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाने के बाद वो कई सालों बाद जुड़कर इकट्ठा हो गया, जिसे आज हम मून के रूप में देखते हैं, यानी कि चांद। तो कुछ समय बाद अर्थ पर पानी आ गया। पानी आने के कारण यहाँ पे पानी के अंदर बैक्टीरिया भी आ गया था, तो यहीं से लाइफ की शुरुआत होती है। और जब उसके बैक्टीरिया बड़ा होने लगा तो वो एक बहुत ही कमाल का वेस्ट छोड़ता था, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अर्थ पे आने के बाद यहाँ पे पेड़ बन गए, तो हमारी अर्थ हरी भरी हो चुकी थी, पर फिर भी यहाँ पे इंसान नहीं थे। तो अर्थ पे ओशियंस थे उसके अंदर बैक्टीरिया थोड़ा बड़ा हो गया, जिसके कारण वहाँ पे इंसेक्ट्स आने लगे, यानी कि फिशीज एक्सेट्रा। तो जैसे कि हम क्रोकोडाइल को देख सकते हैं, वो अर्थ पे सरफेस पे आ जाता है, तो कुछ चीज़ें अर्थ पे आना शुरू हो गई। अर्थ पे आना शुरू होने के कारण उनकी प्रजाति बदलने लगी। तो बहुत सालों के बाद अर्थ पे डायनासोर आए। आप जान ही सकते हैं कि अर्थ से डायनासोर का खात्मा हो गया था। तो उसके बाद बंदर आए, बंदर पेड़ पे रहते थे, तो कुछ समय बाद वो पेड़ से उतर के नीचे आ गए। नीचे आने के बाद जैसे कि हम इंसान नीचे चलते हैं, तो बाद में ह्यूमंस वो बन गए। तो आज हम अपने आप को यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो उसी बिग बैंग की वजह से था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप
आपको और वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और हमें और क्वेश्चन दीजिएगा जिससे हम और नई वीडियो ला सकें।